हेलो गाइस, दिस इज़ अब्दुल हियर। वेलकम अगेन ऑन माय ट्यूटोरियल चैनल, दैट इज़ द सॉल्यूशन हब। तो आज मैं आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। विजुअल स्टूडियो कोड एक्चुअली एक फ्री सोर्स कोड एडिटर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने 29 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया था। तो ये सब बेसिक नॉलेज थी जो बतानी जरूरी थी। तो चलिए हम स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर देख लेते हैं। हमें मैं सारी ये कोड जो है ये टेक्स्ट फॉर्म में मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे, उसके बाद हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे विद दिस कमांड। तो स्टेप टू में हम माइक्रोसॉफ्ट जीपीजी की को हम अपने लिनक्स में इम्पोर्ट करेंगे विद दिस कमांड, जो कि नीचे मैं दे रखा हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे मैं कमांड दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप इंस्टॉल कर लेना। स्टेप थ्री जो है, हम अपने एपीटी रिपोजिटरी को हम वीएस कोड में विजुअल स्टूडियो कोड के लिए रिपोजिटरी ऐड करेंगे हम अपने काली लिनक्स में विद दिस कमांड, जो कि मैं दे रखा हूँ। ये भी आप कॉपी, मैं पूरे टेक्स्ट फाइल में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। फाइनली मैं अपन यूज़ करेंगे सूडो एपीटी अपडेट, जो कि फिर से हम अपडेट करेंगे अपने सिस्टम को, उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे करना है। हमें जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा। ओके, तो सूडो एपीटी अपडेट, तो अपने सिस्टम को हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। पासवर्ड मांगेंगे आप यहाँ पे, पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, जो भी आपका पासवर्ड है। तो आई गेस मेरा पासवर्ड जो है रॉन्ग हो गया। ओके, तो फिर से मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सिंपल पासवर्ड डालने के बाद ये थोड़ा प्रोसेस आएगा, जो कि 10 to 15 सेकेंड का टाइम लेगा, जो 16 MB का होगा। तो अप्रॉक्स अगर आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है, अच्छा होगा तो 10 to 15 सेकेंड में हो जाएगा। तो अब सेकेंड स्टेप पे जाते हैं कि अपने जो है पैकेज को इंस्टॉल करना, पैकेज को इसमें इंस्टॉल करना है। तो पैकेज को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पैकेज को और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट नहीं होगा, कंट्रोल प्लस सी से पेस्ट नहीं होगा, तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी द सॉरी वी दबाना होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाना होगा। तो आप यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे नॉर्मली मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लिया, लेकिन आप में 15 to 30 सेकेंड अराउंड लगेगा। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अब क्लियर कर देते हैं। अब अपना सेकेंड स्टेप लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जीपीजी की जो है हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से कोड जो है कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट, जो कॉपी है फिर से यहाँ से ये है पूरा कोड, इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम वहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए एक बार मैं फिर से बता दूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ओके, तो ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके हो गया यहाँ पे। अब हम जो है एपीटी रिपोजिटरी जो है यहाँ पे ऐड करेंगे विजुअल कोड के लिए लिनक्स में। तो उसके हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब ओके करते हैं। ओके डन, फाइनली हम सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फिर से अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे सूडो एपीटी अपडेट के कमांड की हेल्प से। तो चलो हम अपडेट करते हैं यहाँ पे, सूडो एपीटी अपडेट। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखे। तो सूडो एपीटी अपडेट, ओके इंटर करते हैं। उसके बाद थोड़ा ये फिर से टाइम लेगा अपडेट होने के लिए। अपडेट हो गया ये, अब यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस है। ओके, अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद अब हमें बस इंस्टॉल करना है सूडो एपीटी इंस्टॉल कोड। अब ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड होगा, क्योंकि ये 69 MB का होगा, जो भी होगा। मेरे में इंस्टॉल है तो बहुत जल्दी हो गया। तो ये था प्रोसेस इंस्टॉल करने का, 69 MB का। तो मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड लगेंगे, या फिर 30 सेकेंड, या एक मिनट, आपके इंटरनेट पे डिपेंड है। तो आप इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे सर्च करके अपना विजुअल कोड देख सकते हो, वो ऐप क्रिएट हो चुका होगा। अगर आपको इस ऐप को अनइंस्टॉल करना है, तो उसके लिए है उसके लिए कमांड है सूडो एपीटी पर्स कोड। ओके, तो इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब वाई और एस और नो का ऑप्शन देगा, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा टोटली। तो ये था इंस्टॉलिंग प्रोसेस, और लास्ट में मैंने अनइंस्टॉलिंग प्रोसेस भी बता दी है कि कैसे इसको अनइंस्टॉल करना है और कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो सिंपल प्रोसेस है, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में सारे कोड जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना, या फिर आप टेक्स्ट जो है टेक्स्ट फॉर्म में डाउनलोड करके आप वहाँ से सारे प्रोसीजर फॉलो कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।